हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है, लगभग 10 दिनों के बाद। आप लोग बोले भाई 10 दिन से कहाँ गायब हो गया था, तो मैं बता दूँ बहुत सारा पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत सारा, ठीक है। आप लोग को रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग होता है। जितने भी क्रिएटर्स हैं, कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि इनके लाइफ में क्या चल रहा नहीं चल रहा है, और हमेशा कैमरे में हंसते खेलते हम लोग दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। तो 10 दिन तक इसीलिए वीडियो वगैरह नहीं आ रहा था, बाकी कोई नहीं, 10 दिनों के बाद फाइनली ब्लॉग आ चुका है। अभी मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग आप सभी को। एंड इधर ज्योति बैठी हुई है, ठीक है। इसका तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब रह रहा है आज के टाइम पे, कुछ दिनों से। अभी क्या हो रहा है, सुबह सुबह चक्कर आ रहा है। इसका वीकनेस की वजह से हमेशा ऐसा होता है। इसका हम ORS ला के रख दिए हैं ताकि पीते रहे। पिए, अभी पी लेना थोड़ा। और हम लोग फिर BP मशीन वशीन सब घर में लेके रखे हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना हो, कितना डॉक्टर के पास जाएं। BP मशीन भी हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए हैं, ठीक है, ले लिए हैं। घर में ही BP भी चेक हो जाता है, तो मम्मी वगैरह का भी चेक वगैरह करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि अभी एज भी हो गया उन लोगों का, तो इसीलिए घर पे ही लेके रख लिए हैं। और अभी गाइस बाहर आप लोग बोलोगे क्या काम चल रहा नहीं चल रहा है, आप लोगों ने लास्ट देखा होगा कि ग्राउंड फ्लोर ही कम्प्लीट हुआ था नए घर का, और अभी उतना ही काम रुका हुआ है, इसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। क्यों पता है? क्योंकि होली आ गया था, और होली के बाद जो है ना, होली से पहले मतलब जो मिस्त्री लोग हैं सब गया था अपना घर, और घर जाने के बाद अभी तक नहीं आया है। आज बोला है आएगा, पता नहीं आज भी आया नहीं, ठीक है। कल कर करके 10 दिन बीत चुका है, होली हो गया ना, 10-12 दिन हो गए, तो अभी तक आया नहीं है। तब क्या बोले बताइए, वो लोग नहीं आएगा तब तक तो काम होगा नहीं, इसीलिए उतने के उतने काम पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, बाहर में कुछ कुछ मैं करवा रहा हूँ वो, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अभी बाहर चलते हैं। और गाइस ये देखिए बेडरूम पे, ये देखिए कैसा लग रहा है, इसको हंसता भी है, ये हंसा के दिखा दो तो। तो ये एकदम रियल लगता है देखने में, देखो। तो ये बिशु भैया और हेमंत गिफ्ट किया था हमारे एनिवर्सरी में, ठीक है, तो रखा हुआ था अलमीरा में, सोचे इसको रख के क्यों रखे, इसको टांग देते हैं, और ही करते रहता है। इसका सिर्फ ये छाती में एक स्विच है, यहाँ पे प्रेस करने से ये हंसने लगता है। तो चलिए, मोटा यहाँ प्रेस कर रहा है, पंखा चला दिए हैं, इसको रहने देते हैं, देखना हाँ निकल जाएगा। तो मोटा को अभी रहने देते हैं इधर, और चलते हैं बाहर, आप लोगों को दिखाते हैं अभी क्या क्या काम चल रहा है, ठीक है। बाहर में हम कुछ करवा रहे हैं जो कि दिक्कत हो गया था पहले। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये बड़ा वाला मेन गेट, जो गैराज का गेट है जहाँ पर गाड़ी घुसता है, ये गैराज का गेट का साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन हो ये रहा था कि ये गेट खुलता है बाहर तरफ से, और जैसे बाहर से खुलता था ना, तो ये रोड में चला जाता था दोनों गेट। अभी मैं दिखा रहा हूँ बाहर जाके, ठीक है, बैठो तुम। तो ये वाला गेट जो है ये पूरा इतना दूर आ जाता था एकदम, ठीक है, खुलने के बाद, और वो भी उतना दूर, तो फिर गाड़ी को एकदम वहाँ से कट करके घुसाना पड़ता था, तो बहुत दिक्कत होता था। इसीलिए इसको खोलवा के अभी देख सकते हैं, यहाँ पे एक जॉइंट लगवा रहे हैं, इसको कट कर दिए हैं, और यहाँ पे एक जॉइंट हो जाएगा, इससे क्या होगा नहीं, ये गेट खुलेगा और इस दीवार में सट जाएगा, जब दीवार में सट जाएगा तब गाड़ी घुसाने का जगह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यही वाला काम अभी करवा रहे हैं, इसको पूरा जॉइंट करवा रहे हैं, अभी मिस्त्री लोग आएगा, कल आधा किया है, आज कम्प्लीट हो जाएगा, फिर गाड़ी आराम से घुस जाएगा। तो ये गेट का काम चल रहा है, ये सब में देखिए ये जाली वाली नहीं लगा हुआ था, ये लगवाए हैं, ये ग्रिल जितना है, ठीक है, इधर गेट लग गया, इधर बाउंड्री हो गया, उधर भी ग्रिल लग गया, तो इतना सारा काम, इधर भी ग्रिल लग गया, तो ये सब अभी हुआ है, ठीक है। और आज को यहाँ पर पाइपलाइन करना होगा, ये आउटलाइन है जहाँ पर पानी निकलता है बाथरूम का, जितना भी पानी है जो नहाते धोते हैं, तो पानी का यहाँ से पूरा इसको ड्रिल करके कोड़ के वहाँ ड्रेन में मिलाना है। तो ये सब काम शायद आज होने वाला है, देखते हैं कौन कौन मिस्त्री आता है। अभी ये वाला मिस्त्री भी आया नहीं है, गेट वाला। और आज मौसम बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, धूप नहीं है, बादल करके रखा है, ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम। क्या कर रहे हैं, क्या हो लग रही है? तो अभी फाइनली मिस्त्री लोग आ गया है गेट का काम करने के लिए, काम शुरू भी हो गया है सुबह सुबह। ये देखिए तो पूरा जॉइंट लग जाएगा, आराम से गेट वगैरह पूरा खुलने लगेगा। तो अभी मेरा बेडरूम में इधर काम चल रहा है, अब नया नया मिस्त्री लोग आ गया दो। कहाँ से आप लोग? बक्सुमा। तो अभी जो पुराना मिस्त्री लोग, वो लोग आने वाला है, बस पकड़ा हुआ है। अच्छा, तुम लोग काम करेगा ही दोगे ना, और वो लोग दोगे, इसीलिए बोरस दोगे बढ़ेगा। तो ये देखा, अभी इतना ही काम अटका हुआ है, देखते हैं आज से थोड़ा बहुत काम बढ़ेगा। इधर चंदू आ गया है, क्या काम है आज?
लाइट वाइट लगाना है? नहीं नहीं, नीचे का लाइट सब नहीं लगाएगा, हॉल वाला लगेगा ना। इधर ये ग्रिल अभी जाम नहीं किया है, तो जाम भी करवाना है। इसको वीडियो कॉल लगा दिया। तो अभी चलिए नीचे चलते हैं, ऊपर का तो काम चल रहा है। ईदी मिल गया सुबह सुबह दो दो लच्छा है ना। चलिए अभी अविनाश का जो काम कर रहे हैं वो इंजीनियर साहब, उन्होंने हमें सुबह सुबह ईदी दे दिया है, लच्छा है और भी कुछ कुछ होगा। उनको ईद मुबारक। और अभी चलिए, क्या कर रही थी तुम यहाँ के? ब्लॉग अपलोड कर रहे थे, लेकिन वही नहीं। वहाँ पे करो, सोफा आठ में चलेगा, यहाँ थोड़ी चलेगा। ठंडा लग रहा था, यहाँ पे फुल नेटवर्क पकड़ता है। वाईफाई अंदर लगा हुआ, गेट बंद रहता तो वाईफाई थोड़ा स्लो हो जाता है यहाँ पे। सो गाइस, अभी सुबह सुबह हैरी को लेकर के निकल गए हैं मार्केट की ओर। आज देखिए मौसम इतना सुहाना है कि कार ड्राइव करने में भी अलग मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत मौसम बहुत परफेक्ट है, क्या धूप भी नहीं है और सीनू का भी रोजा भी चल रहा है, दो दिन बचा हुआ, आज धूप भी नहीं है, तो आज का दिन इसका थोड़ा आसानी से कट जाएगा। बाकी अभी गाइस निकल चुके हैं हॉस्पिटल, थोड़ा जा रहे हैं, ज्योति का ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए थे, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो वहीं रिपोर्ट लेने जा रहे हैं। और अभी मुझे खुद का भी ब्लड टेस्ट करवाना है, मेरा भी करवाना है, प्लस ये भी करना है अल्ट्रासाउंड, जो फोटो इसका पेट का होता है। आप लोगों में बताना चाहूंगा, मेरा किडनी स्टोन हो गया था, दोनों किडनी में, ठीक है, 5-5 mm का। तो डॉक्टर बोला था कि दवा से ही ठीक हो जाएगा, दवा भी नहीं, बोला था कि 4-5 liter पर डे पानी पीजिए, सही हो जाएगा आपका पानी का कमी, आप पानी बहुत कम पीते हैं। अरे ये एक्चुअल रियलिटी है, पानी में मेरा ध्यान ही नहीं रहता, पानी हम बहुत कम पीते हैं, जिस वजह से मेरा हेल्थ इश्यूज बहुत सारा हो जाता है, जैसे पेट में बहुत दिक्कत होने लगता है, गैस बनता है, तो इसी वजह से किडनी स्टोन हो गया था। तो 3 महीने तक अभी मैं दवा भी खाता था होम्योपैथिक, ठीक है, और 3 महीने से अच्छा से टाइमली पानी वानी पीता था, तो 3 महीने तक उसके बाद चेक नहीं करवाया है। तभी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे जा करके, और देखेंगे कि किडनी स्टोन अभी कितना है या फिर खत्म हो चुका है, ठीक हो चुका है, चेक करना पड़ेगा एक बार। तो वो भी मेरा भी काम है, फिलहाल अभी ज्योति वाला रिपोर्ट लेते हैं जा करके, फिर अपना चेक करवाना है। तो इतना सारा काम आज है, प्लस वीडियोज है, बहुत सारा शूट है ना सीनो? दो गो, तीन गो, तीन चार गो ऐसे है, लेकिन अर्जेंट में दो अभी वीडियो हमको देना है ब्रांड को, ठीक है। तो इतना सारा काम आज का दिन पता नहीं कैसे कटेगा। अभी चलिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, रास्ते में है, पहुंच जाएंगे 10 मिनट में। और जब से यहाँ नया जगह पे मैंने शिफ्ट किया है ना, तब से बहुत आसानी लगता है हर एक काम को करने में। अभी हॉस्पिटल भी है धनबाद में, ठीक है, वो भी कहाँ में, हमको मोड़ साइड में, जो धनबाद में, तो मैं धनबाद में रहता हूँ मेन सिटी में, तब यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह मतलब जाने में टाइम ही नहीं लगता, 5-10 मिनट मैक्स टू मैक्स आप कहीं भी जा सकते हैं पूरे धनबाद में, क्योंकि धनबाद बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा मोटा, तो हर एक काम जल्दी हो जा रहा है। अभी वही चीज, अभी मैं अपने गांव से अभी घर से आता अगर इस हॉस्पिटल में, तो आने में अभी 1 घंटा से ज्यादा लग जाता, 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, फ्यूल जलता अलग खर्चा, टाइम का जो ये होता है वो अलग, और मेन तो टाइम है, फ्यूल जो जलता है वो तो चलिए, टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है आज के टाइम पे मेरा खास करके। अभी 1 घंटा में मेरा कितना काम हो जाएगा, 1 घंटा अभी कार ड्राइव करके हॉस्पिटल जाते, तो ये सब सुविधा जो है आप शहर में रहोगे तो ही हो सकता है, गांव में रह करके थोड़ा बहुत तो भाई दिक्कत होगा, क्योंकि समझ ही रहे हो सारा काम आपका शहर से होता है। आप भी अगर कोई गांव में हो तो आपको भी सारा काम शहर में ही होगा, चाहे हॉस्पिटल वाला हो, कुछ सामान लेना हो, कुछ भी करना हो, आपको मेन शहर जाना ही पड़ेगा। शहर में जब बस जाओगे तो पूरा टाइम का बचत होने लगता है। तो अभी ये सब चीज मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा हो जा रहा है। मूवी देखने जाना है 5 मिनट में मॉल, कहीं पे रेस्टोरेंट में खाने जाना है 5 मिनट में, इतना सारा रेस्टोरेंट है कि मत बोलो, ठीक है, मतलब हर एक चीज का सुविधा है। और रोड तो देख ही रहे हो कितना परफेक्ट, आजकल धनबाद का रोड भी बहुत सुंदर बन चुका है, 4 लेन हो चुका है इधर, तो वो भी दिक्कत नहीं, तो बहुत परफेक्ट चीज है। और क्या, गाँव में ये गाड़ी भी घुसाने में मुझे बहुत दिक्कत होता था, धनबाद में यही चीज था, ट्रैफिक का दिक्कत नहीं होता, ट्रैफिक का दिक्कत धनबाद में है नहीं। और गांव में जब रहते थे तो इतना बड़ा ये हैरियर को घुसाने और निकालने में तो हालत खराब, 10-15 मिनट तो सिर्फ वो मेरा गांव का जो मार्केट पड़ता है एक ना, वहां से 10-15 मिनट सिर्फ वो मार्केट को क्रॉस करने में लग जाता था, क्योंकि इतना गाड़ी रहता है अगल बगल में, बाइक्स रहता है, कि गाड़ी क्रॉस करने में मतलब पार करने में बहुत दिक्कत होता है। तो वो सब चीजों से बहुत ज्यादा छुटकारा मिल गया, अच्छा लगता है और बहुत परफेक्ट लग रहा है। अभी स्टूडियो वगैरह बन जाएगा तो और मजा आएगा, काम पे थोड़ा फोकस कर पाएंगे, अभी थोड़ा स्टूडियो वगैरह नहीं है तो बहुत दिक्कत हो रहा है नया घर पे। खैर कोई नहीं, 3-4 महीना और झेलना है, फिर नेक्स्ट लेवल स्टूडियो भी बन रहा है, फिर काम भी करने में मजा आएगा। चलिए गाइस मिलते हैं। तो ये गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है और पी रहे हैं अभी चाय गर्मा गर्म और नीम की खा रहे हैं, मोटी इधर है।
और अभी हम लोग जाएंगे एक जगह दुकान देखने के लिए, पापा के लिए फिर से दुकान खोलने का दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि पापा घर में बैठे रहते हैं, उनका टाइम पास नहीं हो रहा है। तो पहले पापा का साइकिल का दुकान था, रिपेयरिंग शॉप था, इस बार सोच रहे थोड़ा होलसेल बड़ा सा साइकिल दुकान खोलने के लिए, यहाँ पर नया नया साइकिल वगैरह भी सेल होगा। ठीक है, तब चाय पी के हो सकता है जाएंगे वो घर देखने के लिए, वो दुकान जहाँ पर मिला है। सो गाइस, ये जॉइंट करवाना था गेट, देख सकते हैं ये कंप्लीट काम हो चुका है। अब यहाँ से पूरा जो ये है ना, ये यहाँ से देखो मिल रहा है, और ये पूरा वॉल के साथ जा रहा है पीछे गाड़ी है। तो क्या हो रहा है कि अब जगह बहुत अच्छा जगह बन जा रहा है गाड़ी घुसने, ये पूरा दीवार में सट जाएगा, यहाँ बाइक लगा हुआ है पीछे सट जाएगा, पहले यहाँ तक आ जाता ये वाला भी झमेला खत्म। अब गाड़ी आराम से घुस रहा है, आराम से निकल रहा है, बहुत प्रॉब्लम होता था। अविनाश का भी काम जल्दी जल्दी, आज एक ट्रक सामान लाया वो लोग, आज ये लोग भी शिफ्ट कर गए। इधर यस जी आए हैं बहुत दिनों के बाद, जल्दी जल्दी ऊपर के काम करवाइए, एकदम जल्दी बुलाए हैं। वीडियो में वीडियो उसके एक में आपको बोलती है ऐसे बोलने से नहीं सुन रहे, फिर आपके मम्मी देखी फिर पिछले बार। हाँ, मैं तो उतना दिन कंफ्यूजन चला ना। सो गाइस, अभी पापा के लिए गए थे दुकान देखने के लिए, तो एक दो देखे हैं, अभी देखते हैं डिसाइड करना है कौन सा सही रहेगा नहीं रहेगा। फिलहाल तो आज देखने के लिए सिर्फ गए हुए थे, तो उनके लिए एक दुकान ओपन हो जाएगा फिर से, तो उनका माइंड भी थोड़ा अच्छा रहेगा, बाकी वो इंगेज भी हो जाएंगे, क्योंकि घर में बैठे बैठे भाई डेली का पूरा 12 घंटा कटना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए दिमाग लगा रहे हैं। बाकी आप लोगों ने आज किस व्लॉग पर देखा कि मैं कितना मेहनत करके कष्ट से अभी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो देखते हैं ऊपर कब तक स्टूडियो वगैरह रेडी हो रहा है। बाकी अभी हम ज्योति बाहर में बरामदा में बैठे हुए हैं, यहाँ पर अच्छा लग रहा है, नेचुरल एयर आ रहा है बाहर से, है ना, माहौल भी शांत है, वेदर भी अच्छा है, अच्छा हवा लग रहा है। तो चलिए आज की इस ब्लॉग को यहीं पेंड कर देते हैं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।